ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोकेशन देख के और थर्मल देख के समझ ही गए होंगे। तो आज मैं आपको कांगड़ा वैली टी यानी वो कैसे बनाई जाती है उसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। और धर्मशाला में बनाई जाती है, इसकी फैक्ट्री है और यहाँ से ये एक्सपोर्ट भी की जाती है अनदर कंट्रीज़ में। तो वो कैसे पूरा प्रोसेस है इसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो आज मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी भी आजकल हर कोई ग्रीन टी, लेमन टी यानी ग्रीन टी को प्रेफर करता ही है, हर कोई इनको पीता ही है। तो आज वो कैसे बनती है यहाँ पे अपने हिमाचल में, तो आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहें, फिर मैं पूरा प्रोसेस बताने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो अभी हम करते हैं अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट। चाय पत्ती बनाने के लिए जो पहला स्टेप है उसमें लीव्स को प्लग किया जाता है यानी पत्तियों को तोड़ा जाता है। और अच्छी ब्लैक या ग्रीन टी बनाने के लिए जो पत्तियां तोड़ी जाती हैं उसमें जो पहले दो ऊपर पत्ते होते हैं या एक नई कली निकली होती है उनको तोड़ा जाता है। और अभी ये लीव्स आप देख सकते हो, इनको तोड़कर प्लग करके एक जगह इकट्ठा करके रख दिया गया है और अभी इनको ट्रांसपोर्ट के द्वारा फैक्ट्री तक ले जाया जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं टी फैक्ट्री में और टी गार्डन मैंने आपको अभी दिखा दिया धर्मशाला में। और देन उसके बाद जो पत्तियां वहां पे तोड़ते हैं यानी निकालते हैं, अलग करते हैं, उनको यहाँ टी फैक्ट्री में लेके आते हैं। और आगे क्या प्रोसेस रहता है वो मैं आज के ब्लॉग में आपको सारा बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो ब्लॉग में बने रहें लास्ट तक। और जो ये टी फैक्ट्री आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हो, ये काफ़ी पुरानी है यानी अप्रोक्स आपकी 1982 में बिल्ट हुई थी ये वाली फैक्ट्री। और धर्मशाला पालमपुर यहाँ में सबसे बड़ी टी फैक्ट्री है यहाँ की। और यहाँ पे जो भी चाय पत्ती वगैरह बनती है वो सारी एक्सपोर्ट ही होती है यानी अदर कंट्रीज़ में ही जाती है, इंडिया में यहाँ पे कम ही सेल होती है ये वाली। तो बेस्ट क्वालिटी की यानी यहाँ पे जो चाय पत्ती है वो तैयार की जाती है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ पूरा प्रोसेस। तो अभी हम अपना करते हैं स्टार्ट ब्लॉग आज का और दिखाता हूँ आपको सारे प्रोसेस। तो अभी हम पहुँच चुके हैं टी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, पूरा प्रोसेस होता है। तो अभी ये यहाँ के सुपरवाइज़र हैं आत्म सिंह जी और अभी ये हमको गाइड करेंगे और यहाँ के बारे में बताएंगे। हाँ जी, तो यहाँ ये जो फैक्ट्री है सिद्धवाड़ी कॉपर टी फैक्ट्री, यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है प्लांटरों से आता है, यहाँ से रोड होते हैं प्लांटर होते हैं। तो गाड़ी जो है मतलब यहाँ खड़ी होती है और ग्रीन लीफ यहाँ अनलोड कर ट्रफों में शिफ्ट की जाती है। ये है हमारा विदरिंग सेक्शन। विदरिंग सेक्शन में अगर मौसम ख़राब होने के कारण ओटीआर देकर ही चाय को विदर करते हैं, ठीक है। और आफ्टर नेक्स्ट डे चाय जो है वो हमारी रोलिंग एंड मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेस दूसरे दिन होता है या तीसरे दिन भी हो सकता है। तो मतलब चाय देख कर होता है ना जी, पत्तियाँ देख कर होता है कि कैसी है, बिदर हुई है या ना हुई है। विदरिंग आफ्टर रोलिंग, ये हमारा रोलिंग पोर्शन है। यहाँ पे चाय रोल की जाती है,
जिसका कि मतलब चाय देख देख के मतलब रोलिंग होती है किसी मतलब 5 मिनट 7 मिनट या जैसे कलकत्ता ऑक्सन वाली चाय तो 60-60 मिनट की रोल होती है मतलब, तो ये हमारा रोलिंग। फर्मेंटेशन के बाद जैसे ये लड़के अब इसको उठा करके ड्रायर में ले जा रहे हैं, ये हमारी 24-26 मिनट के बाद चाय जो है ड्राई हो जाती है। तो अभी आप जो देख रहे हो ये है ड्रायर सेक्शन, और यहाँ पर चाय पत्ती को इस मशीन में ड्रायर मशीन में डाला जाता है और इसको हीट करने के लिए पीछे यानी भट्टी है, आग जलाई जाती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जलाई जाती है। और इसका टेम्परेचर जो है वो 240 डिग्री तक रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, और यहाँ पर लीव्स जो हैं ये इनको हीट किया जाता है और कम से कम 20 मिनट तक जो लीव्स हैं वो इस मशीन के अंदर रहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम अपने फाइनल सेक्शन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अलग अलग ग्रेडों में इसको डिवाइड किया जाता है, और आप पीछे देख सकते हो डेढ़
तो ये अलग अलग किस्में लगाई हुई हैं और इनके सैंपल वगैरह लिए जाते हैं। पहले टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद ग्रेडिंग की जाती है। दो ही वो मशीनें चली हुई हैं और ग्रेडिंग की जा रही है और कम से कम चार से पाँच टाइप की किस्में यहाँ से निकाली जाती हैं, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इनको अलग अलग किया जाता है ग्रेड में, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चार किस्में और निकल रही हैं चाय पत्ती की इस मशीन में भी। बगीचों से लेके आपके घरों तक पहुँचने का, यानी कैसे तैयार की जाती है, जो कि हम सभी ही सुबह उठते ही ग्रीन टी का मज़ा लेते हैं घरों में। तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि कैसे तैयार की जाती है। और अभी मैं बता दूँ तो अभी जो यहाँ पे होटल था वो ओरिजिनल का ही था,
और यहाँ से ऑलमोस्ट 90% जो चाय पत्ती बन के एक्सपोर्ट होती है अनदर कंट्रीज़ में, जर्मनी, फ्रांस, USA, अनदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होके जाती है यहाँ से। और जो फ्लेवर वगैरह है वो बाद में ऐड किए जाते हैं, जैसे हनी, लेमन, जिंजर, वो बाद में ऐडअप किए जाते हैं, बट अभी जो डिमांड आई है अनदर कंट्रीज से वो ओरिजिनल की आई है। तो मैंने आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया एंड आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू ब्लॉग लेकर आता रहूँ, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँ। और फिर आपसे जल्द ही मिलेंगे गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।